हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज के विक्रांत। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पहले जानना होगा कि ये रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप उसे कहते हैं, जैसे मानिए कि कोई बॉडी है तो उस पर आपको लगातार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जैसे मानिए मार्कर है, इस पर यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी 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 है, यहाँ भी, सभी जगह चार्ज आपको है इस पर, तो हम बोलेंगे कि इस पर चार्ज रेगुलर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेगुलर चार्ज बॉडी। अब देखिए, रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं पढ़ना है। देखिए, आपको ऐसे भी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज या इलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाना थोड़ा टफ है। ठीक, क्योंकि इंटीग्रेशन कैलकुलेट करता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। खैर, वो बात की बात है। अब देखिए, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि सभी जगह बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यहाँ जितना था यहाँ भी उतना ही था, यहाँ भी उतना ही था, यहाँ भी उतना ही था और यहाँ भी उतना ही था, यानी सभी जगह आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इक्वल इक्वल। ठीक, अब देखिए, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके का होता है, जगह कम था इसलिए अभी दो ही लिखे, एक और लिखेंगे। ठीक है, हमने कहा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चों? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लीनियर और वन डी बॉडी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर बॉडी, और जिसे वन डाइमेंशनल बॉडी भी कहते हैं। वन डी का मतलब क्या है? ये वन डी का मतलब है वन डाइमेंशनल। ठीक है, तो ये बात, वन डाइमेंशनल बॉडी, वन डी बॉडी यानी जिसके पास सिर्फ लंबाई हो, तो उसमें कौन कौन आ जाएगा? रॉड, स्ट्रिंग, थ्रेड, रिंग, ईटीसी। रॉड समझते हैं ना, स्ट्रिंग रस्सी, थ्रेड धागा। रिंग, आप बोलेंगे रिंग कैसे आएगा? तो देखिए, तो रिंग जो होता है वो भी तो एक रस्सी है ना भाई, उसको गोल ऐसे बना दिया जाता है, उसको काट कर सीधा कीजिए तो एक रस्सी ही तो है। ठीक है, चलिए, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी है। आपको कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसका डेंसिटी होता है। जैसे आप मास डेंसिटी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मास डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास वाई वॉल्यूम। कब? आपको जब 3D बॉडी होता है तब। आपको अगर लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता तो क्या होता है? मास बाई लेंथ होता है मास डेंसिटी, है ना? आप पढ़े हैं, वेव वगैरह में पढ़ते होंगे, या तो टेंशन वगैरह में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज LCD, का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पे बाबू हम शॉर्ट के लिए लिख दिए हैं। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो मास पर यूनिट लेंथ का, सॉरी, चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है? एक यूनिट लंबाई में जितना चार्ज रहेगा उसे ही हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, एक यूनिट लंबाई में। ठीक, यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हम लंबाई क्या ले सकते हैं, बस बात यही कि एक यूनिट लंबाई में जितना चार्ज होगा वही क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज अपॉन लेंथ। हमने एक एग्जांपल लिया कि एक रॉड था जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, 100 कूलम टोटल चार्ज था। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, टोटल कितना था? 100 कूलम था। इस रॉड का लेंथ था 5 मीटर, लंबाई कितना था रॉड का? 5 मीटर। तो आपसे पूछा गया कि भैया आप बताओ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो
तो बता दीजिए ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी और क्या आता है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ 100 कूलम बाय 5 मीटर, तो 20 कूलम पर मीटर आ गया। लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ में आया ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लंबाई में जो चार्ज होगा वही क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मानिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कहीं पर दे दिया गया है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी 10 कूलम पर मीटर था। लीनियर चार्ज डेंसिटी बाय द वे आपको दे दिया जाए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी 10 कूलम पर मीटर था। आपसे पूछेगा कि फाइंड चार्ज इन 100 मीटर लॉन्ग रॉड, बोले जाए कि तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर 10 कूलम पर मीटर था तो 100 मीटर लंबे रॉड में टोटल चार्ज कितना होगा। तो चूंकि ये एक यूनिट लंबाई में इतना था तो 100 यूनिट में कितना हो जाएगा हम नहीं बता देंगे, तो चार्ज और क्या हो जाएगा, बस लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ यानी 10 कूलम पर मीटर इंटू 100 मीटर, मीटर से मीटर खत्म, यानी 1000 कूलम। समझ में आया बात? अरे भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, एक यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में जितना चार्ज हो, तो चुका चुकी से भी करोगे तो समझ में आएगा कि चूंकि एक यूनिट लेंथ में 10 कूलम पर मीटर चार्ज है इसलिए आपको 100 यूनिट लेंथ में 10 × 100। आई बात समझ में? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर दिया हुआ रहेगा तो हम कितने भी लंबे लंबाई में किसी भी लेंथ के लिए चार्ज निकाल सकते हैं। चलिए ओके, अब अगला है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एनी सरफेस और टू डी। देखिए दिख रहा है 2D सरफेस क्या होता है बाबू, 2D ही होता है ना। मानिए कि ये एक सरफेस है तो ये क्या है, 2D ही तो है ना, 2D देखो ये 2D है ना, देख लो एक डायमेंशन दो डायमेंशन, बोलोगे सर इधर वाला नहीं, बोले बहुत मार खाओगे, इसी डायमेंशन में ये भी है और इस डायमेंशन में ये है। ठीक, तो ये चीज यानी 2D बॉडी, ठीक है ना, यानी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे ही हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें इसके एग्जांपल में सीट, डिस्क, पेपर, ETC, जैसे कि स्क्वायर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, ये सब सब क्या है, 2D बॉडी है, सिर्फ एरिया है इसके पास में जी, मतलब ये मैं आपको। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, तो मैंने कहा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बात वही है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, SCD का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखते हैं तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो चार्ज अपॉन एरिया हो जाएगा बाबू। तो आप देखो एग्जाम्पल हमने लिया कि एक डिस्क था सर्कुलर जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था और टोटल चार्ज कितना था, 200 कूलम था। तो बोला गया कि आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालिए, सिग्मा निकालिए, तो हमने निकाल दिया चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज 200 कूलम, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू रूट सेवन का स्क्वायर किया तो 7 200 × 22 × 7 × 7 कट गया, कितना बची यही हो गया क्या, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आई बात समझ में? स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिखिए। देखिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी बताया, अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि एक क्यूब है ना, और इस क्यूब का आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया गया है 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो पूछा गया क्यूब के सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है, पूछा जाए आपको इस सवाल में फाइंड टोटल चार्ज ऑन क्यूब सरफेस, सरफेसेस कर लीजिए,
क्यूब के सभी सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है? आप बोलोगे सर क्यूब के पास तो वॉल्यूम होता है, थ्री डी बॉडी है ना। देखिए हम क्यूब के अंदर में क्या चार्ज है हम नहीं पूछ रहे हैं, हम बस ये पूछ रहे हैं क्यूब के सरफेस पे, बाहर में जो सब सरफेस है उस पे क्या है चार्ज। तो वो तो भाई निकलेगा आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी से ही ना। मान लीजिए कि होलो होलो क्यूब है, अंदर कुछ नहीं है, बाहर बाहर सरफेस पे सिर्फ चार्ज है, ये भी हो सकता है। तो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है तो आपको इसमें टोटल चार्ज निकालना, तो इसका टोटल एरिया निकाल लीजिए पहले। तो एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी 24 मीटर स्क्वायर। आई बात सुन, ये एरिया हो गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, एरिया सॉरी चार्ज इन वन यूनिट एरिया। तो वन यूनिट एरिया में इतना, तो इतना एरिया में कितना चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको चार्ज बराबर चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 × 24 बराबर 240 यूनिट। क्या हो जाएगा बाबू, कूलाम हो जाएगा है ना। क्यों देखो एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, इसमें बाई में मीटर स्क्वायर है, कट जाएगा। ठीक चलो ओके। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम कंटेनिंग और थ्री डी बॉडी। ऐसे बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए जिसके पास वॉल्यूम हो और वो थ्री डी हो उसका है ना। तो वॉल्यूम किसके किसके पास होता है, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, यही सब के पास होता है। ठीक है, तो जाहिर सा तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं ना। ये क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी रो बराबर क्यू बाई वॉल्यूम। ठीक, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा उसे ही हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो देखो मान लो कि कोई क्यूब है, इस क्यूब में पूरा एकदम से पूरे इसके वॉल्यूम में चार्ज दिया गया था और टोटल चार्ज कितना था, 50 कूलम था। इसका साइड लेंथ जो था क्यूब का वो 1 मीटर था, तो बोला कि इसका डेंसिटी निकालिए। तो चार्ज बाई वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज 50, वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1 मीटर का क्यूब, 1 मीटर का क्यूब। तो 1 मीटर का क्यूब तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 50 कूलम बाई मीटर क्यूब। अब मानो एक सवाल दिया गया, ये एक स्फेयर था, इसमें पूरा चार्ज, स्फेयर क्या है जी, वॉल्यूम कंटेन करता है, 3D है। इसमें आपको पूरा सभी जगह यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और डेंसिटी दे दिया गया था कितना, 10 कूलम पर मीटर क्यूब। इसका रेडियस था 7 मीटर। पूछा गया फाइंड टोटल चार्ज, तो इसमें टोटल चार्ज क्या है स्फेयर में, तो बाबू देखो पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, सिर्फ सरफेस पे बाहर नहीं है, अंदर भी चार्ज है। ठीक है, यानी पूरे वॉल्यूम में। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, चार्ज निकालने के लिए देखो, तो ये जो डेंसिटी दिया गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज। तो एक यूनिट में इतना चार्ज है तो आप पहले इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, तो पूरे वॉल्यूम में निकल जाएगा। तो वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम बराबर 4/3 πr³, 22/7 पाई का वैल्यू, आर क्यू 7 है, 7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है जी, तो वॉल्यूम बराबर हो गया 88 × 49/3, कटने वाला सीन है नहीं, इतना मीटर क्यू। तो चार्ज और क्या हो जाएगा, डेंसिटी से गुना कर दीजिए, चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ऐसा जब करोगे आप, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, बराबर 10 × 88 ×
49 अपॉन 3 सॉल्व करके जो आ जाए। ठीक है, आज बस समझ में, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए। देखिए आप दो चीज थोड़ा सा पढ़ लीजिए, काम देगा आपको, हर सब हर टॉपिक में काम देता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप पढ़ा दे रहे हैं पॉइंट और ऑब्जेक्ट। देखिए फिजिक्स में पॉइंट और ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन थोड़ा याद रखिए। फिजिक्स में पॉइंट किसे कहते हैं, पॉइंट चार्ज हो या पॉइंट मास हो, कुछ ऐसा वर्ड यूज किया गया हो तो किसे कहेंगे। तो देखिए कहते हैं इफ डायमेंशन ऑफ पार्टिकल इज वेरी लेस देन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर। अगर आपको किसी भी पार्टिकल का डायमेंशन ऑब्जर्वर और उस पार्टिकल के बीच के दूरी से काफी कम हो जाए तो हम उसे पॉइंट कहेंगे। जैसे मानिए हमें ऑब्जर्व करना है और हम ऑब्जर्वर हैं और जिसे ऑब्जर्व करना वो हमसे काफी दूर है, इतना दूर है कि उसका डायमेंशन में समझ रहे हैं ना, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कि उसका डायमेंशन इस दूरी से काफी छोटा है, तब हम उसे पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए कि आपको स्टार्स जो हैं यानी तारे वो हमसे काफी दूर हैं तो ऐसे बहुत बड़े बड़े, लेकिन हमसे काफी दूर हैं, हम ऑब्जर्वर हो गए उनको देख रहे हैं तो वो हमसे काफी दूर हैं, तो वो दूरी उनके डायमेंशन से यानी कि उनके रेडियस से काफी ज्यादा है, इसके वजह से वो हमें इतना इतना सा देखते हैं और कोई कोई तो पॉइंट जैसा दिखता है, कोई तो दिखता भी नहीं। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से यही बात है कि अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच, ऑब्जर्वर और पार्टिकल के बीच का दूरी पार्टिकल के डायमेंशन से बहुत ज्यादा है तो ऑब्जर्वर उसे क्या कहेगा, पॉइंट कहेगा। क्या कहेगा, पॉइंट कहेगा। ठीक है, चलो ओके। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट इफ डायमेंशन ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन और नियरली इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर। अगर पार्टिकल का डायमेंशन ऑब्जर्वर और पार्टिकल के बीच के दूरी से बड़ा हो जाए या तो उसके बराबर हो जाए, उससे हल्का छोटा रहे यानी उसके करीब करीब नियरली में ही रहे, तो वो क्या कहेगा, ऑब्जर्वर की ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में, यानी कि जैसे मानिए ये हम इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, पॉइंट कहने की गलती नहीं करेंगे क्योंकि हमारे और इसके बीच की जो दूरी है उससे इसका लंबाई थोड़ा ही कम है, बहुत कम नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये बात। अब है कि इलेक्ट्रिक, अब आज ये टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है रेगुलर चार्ज बॉडी के लिए यानी रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इससे कुछ स्टेप्स हैं, हमने लिखा स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेट करने का कुछ स्टेप है। देखिए एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जब भी ये रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का बात आता है ना, या रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का हो या मास का हो, बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बात हो रेगुलर बॉडी के चलते, या तो सेंटर ऑफ मास निकालने की बात हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात हो, सब जगह बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, पहले ही सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, देखो इसको एकदम मदारी की तरह नचा देते हैं, कितना आसान बना देते हैं। ठीक है, चल ओके। हमने कहा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है ये कि आपको सबसे पहले फाइंड चार्ज डेंसिटी, सबसे पहले क्या निकालोगे, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी तो आपको निकालने आता ही है, तीन तरह का चार्ज डेंसिटी आप पढ़े, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो एक बात और इसमें ऐड कर लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करते हैं ये साइमेट्रिक टाइप का बॉडी होता है, साइमेट्रिकल बॉडी होता है, एकदम से रैंडम टाइप का बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, वो कैलकुलेट करने के लिए एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम करेंगे वो कैसा बॉडी रहेगा, साइमेट्रिक बॉडी रहेगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या है बच्चा, पहला स्टेप है कि आपको चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो आसान है भाई, चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑन चार्ज बॉडी, बोला गया कि चार्ज बॉडी पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिएगा। तो ये क्या है, ये देखो क्या है, जैसे मानो कि एक रॉड था, इसी पे बहुत सारा चार्ज छीटा हुआ था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, तो चार्ज डेंसिटी तो इसका निकाल ही लोगे। दूसरा स्टेप क्या है, टेक या स्मॉल एलिमेंट ऑन चार्ज बॉडी, तो इस पे एक छोटा सा पार्ट लो, ये बस इतना सा इसका पार्ट को कंसीडर करो, ये ऐसे, ठीक। तो इतना सा पार्ट को कंसीडर करोगे तो क्या इस पार्ट पे कितना चार्ज होगा ये हम नहीं निकाल लेंगे? अरे भाई बिल्कुल निकाल लेंगे, चार्ज डेंसिटी पता है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाले ही हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी गुने इस पार्ट का लंबाई, ये वही इस पार्ट पे क्या होगा, चार्ज होगा। तो दूसरा काम क्या है, टेक या स्मॉल एलिमेंट ऑन चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे इस टाइप का, मानो ये ऐसा था, रॉड था, तब मानो कि कोई रिंग होता है ऐसे, ये रिंग, तो इस पे एक छोटा सा इसका पार्ट ये वाला कंसीडर कर लेंगे, स्मॉल एलिमेंट ऐसे ही लिया जाता है। अब मानो कि रिंग और रॉड ना होके क्या हो, चलो बोलो, मानो डिस्क होता, या तो चलो ये ऐसे होता, ये ऐसे स्क्वायर प्लेट होता, तो इस पे क्या लेंगे, इसका भी एक छोटा सा पार्ट ऐसे ले लेना कहीं पे, ये बस इतना सा, ये ऐसे पट्टी इस पे ले लेना ऐसे। तो तुम बोलोगे सर आप छोटा सा पार्ट लेने के लिए आप इतना बड़ा पट्टी ले लिए, सर छोटा सा पार्ट आप ऐसे क्यों नहीं ऐसे ले लिए कोना में कॉर्नर में, ठीक है तुम बोलोगे ना कि सर आप ऐसे क्यों लिए। तो देखो छोटा पार्ट लेने का मतलब बात ये है बाबू कि आप कहीं भी कोई भी छोटा पार्ट लीजिए तो आपको एक्चुअली में वो आपको उस रेगुलर बॉडी को पूरा टच करे, यानी उसके, अब सोचो अगर हम यहाँ पे कोई एक सिर्फ ऐसे ले लेते ऐसे ले लेते, तो ये देखो ये जो है आपको कहने का मतलब हमें ना तो इधर से टच किया ना इधर से टच किया, ठीक है। तो जब भी लेंगे तो ऐसे कोई पट्टी लेंगे या तो फिर ऐसे कोई पट्टी लेंगे छोटा सा, यानी समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको एक छोटा सा एरिया लेना है, ये क्या है सरफेस है, तो इसमें एक छोटा सा एरिया लेना है। अब तुम ऐसे इसमें ये सिर्फ ऐसे एक पॉइंट ले लेते, तो इसके पास एक छोटा सा एरिया नहीं है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, एक छोटा सा पतला सा एरिया लेना है, किसमें, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी का मामला रहे तब लीनियर चार्ज डेंसिटी का रहे, तो एक छोटा सा लेंथ लेना है स्मॉल एलिमेंट टाइप का, ठीक है, बात समझ रहे हैं, ओके। तो यही बात है, पहला क्या करना है, चार्ज डेंसिटी निकालना है। दूसरा क्या करोगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, और तीसरा काम है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट एट डिजायर पॉइंट। डिजायर पॉइंट क्या होता है भाई, अरे जहां पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो उसी को डिजायर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल एलिमेंट आप लिए थे उसके चलते आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डिजायर पॉइंट पे, यानी जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ये क्या था, तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप है यूज इंटीग्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ होल बॉडी, पूरा बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या है, एक तरीके का समेशन है, यानी कि एक ही तरह के अनंत भाग को अनंत बॉडी को जोड़ने के तरीका को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी मानो कि कोई इतना सा चीज है और इतना सा चीज को ढेर सारा इतना सा चीज को जोड़कर इतना बड़ा बना दें और उसको आसानी से कैलकुलेट कर लें, वो क्या है, इंटीग्रेशन है ना, बात समझ रहे हैं, चलो। तो ये चीज लास्ट वाला देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक ए कंसिडरेशन पॉइंट
फ्रॉम वेयर बॉडी लुक्स साइमेट्रिक। आपको एक कंसिडरेशन पॉइंट लेना है बॉडी पर ही, है ना, बॉडी पे ही एक कंसिडरेशन पॉइंट लेना है जहां से बॉडी क्या दिखे, सिमेट्रिक दिखे। देखो ये कोई जरूरी नहीं है, कोई फिजिक्स का लॉ नहीं है, आप बॉडी पर कहीं भी कंसिडरेशन पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन ये अगर सिमेट्रिकल पॉइंट पे लोगे ना या सिमेट्रिकल एक्सिस पे लोगे ना तो आपको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे मानो कि क्या मानो एक रॉड है ऐसे, अब तुम्हारा कंसिडरेशन पॉइंट जो है वो यहां पे है, तो यहां से देखिए यहां से रॉड साइमेट्रिकल नहीं है, इधर इतना ही है, इधर इतना ज्यादा है, ठीक। मान लो कि ये था एल बाई ट्वेल्व ये वाला लेंथ, तो तुम अगर मानो कि इधर में कोई एक अपना स्मॉल एलिमेंट लेते ऐसे, देखो ध्यान से देखो, स्मॉल एलिमेंट ऐसा कोई लेते तुम अपना डीएल, तो डीएल अभी मानो कि एक्स दूरी पे था, तो डीएल का मैक्सिमम दूरी इधर में कितना हो सकता है, अरे डीएल अभी यहां पे एक्स दूरी पे मैक्सिमम यहां पे हो सकता है, तो यहां पे हो सकता है, तो इस पॉइंट से कितना दूर हो सकता है, ये एल बाई ट्वेल्व है तो एल बाई ट्वेल्व है तो ये इलेवन एल बाई ट्वेल्व हो सकता है, और इधर में मैक्सिमम दूरी पर कितना हो सकता है, ये वाला एलिमेंट अगर इधर में लेते तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, ये क्या हो जाएगा एल बाई ट्वेल्व। तो आपको इस तरीके का नहीं लेना है कंसिडरेशन पॉइंट। देखो हम बार बार कह रहे हैं कि इस तरीके का लेकर भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन आप फिलहाल नहीं लेना। आप कंसिडरेशन पॉइंट कैसा लेना जो दोनों तरफ एकदम से साइमेट्रिकल दिखे, आप ऐसा लेना। भाई जब रॉड का केस आए तो आप ऐसा लेना, ये एकदम बीचो बीच यहाँ पे कंसिडरेशन पॉइंट, इधर भी एल बाई टू इधर भी एल बाई टू, ठीक है। अब कोई एलिमेंट बाय द वे यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट तुम लिए जो कि डीएल था, अभी एक्स दूरी पर था इस पॉइंट से, तो इधर में मैक्सिमम कितना दूरी पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है एल बाई टू दूरी पे हो सकता है। ये वाला अगर इधर लेते तो इधर में भी ये वाला स्मॉल एलिमेंट कहाँ हो सकता है, याद रहे यहाँ पे हो सकता है, इधर में भी देखो ये बराबर दूरी एल बाई टू पे ही हो सकता है, साइमेट्रिकल तो है इस पॉइंट से, देखो रॉड इधर भी वैसा ही है इधर भी वैसा ही है। साइमेट्रिकल का मतलब क्या, मिरर इमेज, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाए, तो ये इसका इमेज जैसा नहीं है जी, बिल्कुल है, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आपको लेना है। मान लीजिए कोई सेमी सर्कल रहे, ऐसे सेमी सर्कल, तो इसमें साइमेट्रिकल पॉइंट कहां पे लोगे, यहां पे लोगे क्या, लग रहा है साइमेट्रिक नहीं लग रहा है कि इसका इमेज है ये, इसका इमेज है ये, नहीं लग रहा है। साइमेट्रिकल पॉइंट कहां पर होगा, साइमेट्रिकल पॉइंट यहां पे होगा, देखो अब लग रहा है इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, कहां पे होगा, यहां पे होगा, ठीक है। तो आपको एक कंसिडरेशन पॉइंट लेना है जो ऐसा जगह पे हो जहां से चार्ज बॉडी एकदम से साइमेट्रिक दिखे, ठीक। चलिए तो ये बात, अब देखो सवाल करेंगे इस पे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है बाबू। देखो ध्यान दो, मान लीजिए कि हमने एक रिंग ले रखा है, अच्छा अब इस रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, अरे कर लेना यार कितना है मेरे से करवाओगे, ऐसे मान यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था और चार्ज कितना था ये Q था, है ना। सवाल ही लिख देते हैं, रिंग ऑफ रेडियस R
हैविंग चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट अलोंग एक्सिस एट एक्स अवे फ्रॉम सेंटर यहीं पर कोई पॉइंट था जो एक्स दूरी पर था सेंटर से, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। सवाल समझ रहे हैं? सवाल है कि एक रिंग है और रिंग पे टोटल चार्ज क्यू है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, रिंग का रेडियस आर है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है रिंग के एक्सिस के अलोंग में सेंटर से कितना दूरी पर, एक्स दूरी पर। देखो भाई यही ऐसा ही रिंग होता है ना, इसका एक्सिस कैसा होगा, ये ऐसा होगा, होगा ना, तो एक्सिस पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। ठीक, चल तो निकालने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, सवाल को मिटा देते हैं, यह स्पेस हमारे काफी काम का है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जरा सा स्मॉल एलिमेंट लेना चाह रहे हैं इसलिए चार्ज मिटा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, होगा भाई बिल्कुल होगा। मानिए वो स्मॉल एलिमेंट हम यहीं पर लिए, यहीं पर वो मेरा स्मॉल एलिमेंट था dl। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, फाइंड चार्ज डेंसिटी। तुम बोलोगे सर पहला स्टेप तो आपने किया ही नहीं, नहीं बिल्कुल करेंगे। लेमडा बराबर क्यू बाई टू पाई आर। बोलोगे सर टू पाई आर क्यों, अरे भाई ये रिंग है, एक लंबाई ही तो है, वन डायमेंशनल है, इसमें लिनियर चार्ज डेंसिटी होगा, तो टोटल चार्ज क्यू और टोटल लंबाई कितना हो जाएगा रिंग का, टू पाई आर। चलो भाई ओके, अब दूसरा के एक स्मॉल एलिमेंट लीजिए चार्ज बॉडी पर, तो चार्ज बॉडी यही रिंग ही है ना, इसमें एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहाँ पे डीएल एक स्मॉल एलिमेंट। तीसरा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट एट डिजायर पॉइंट ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो पहले इस स्मॉल एलिमेंट के चलते निकालो इस स्मॉल एलिमेंट में चार्ज कितना होगा बताओ। अब पता नहीं, अरे निकाल लो चार्ज ऑन डीएल, अरे मच्छर चार्ज ऑन डीएल इज क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इनटू ये वाला लेंथ, चार्ज डेंसिटी कितना है लेमडा, हो जाएगा लेमडा इनटू डीएल बराबर क्यू बाई टू पाई आर इनटू डीएल। आ रही बात समझ में, अरे भाई चार्ज डेंसिटी दिया गया है ना, चार्ज डेंसिटी निकाले हो ना, तो चार्ज डेंसिटी जब निकाल लियो एक यूनिट लंबाई में जो चार्ज होता है उसी को चार्ज डेंसिटी कहते थे, एक यूनिट लंबाई में इतना चार्ज, तो डीएल लंबाई में कितना चार्ज, इतना इंटू डीएल हो गया। चल अब इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालो, तो यहां पे इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो कैसा हो जाएगा, चलो ये पॉइंट यहीं ले लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये देखो इस चार्ज मेरा यहाँ पे इसी डीएल पे जो चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे, तो चार्ज यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जो दूरी पुट करेंगे आर यानी डिस्टेंस वो यही होगा ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूले में करते हो ना भाई 1/4πε0Q/r² वो वाला, तो यही वाला होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से अवे, अरे चार्ज से अवे तो ये एक्सिस है, चार्ज से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, ये इसी लाइन पर ऐसे ये हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, लॉन्ग एक्सिस चाहिए, तो
अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ये लॉन्ग एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे देखो ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले चार्ज के चलते आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये वाला चार्ज इस पॉइंट जिस लाइन पे मिलता है उसी लाइन के लॉन्ग में होगा ना चार्ज से अवे। लेकिन आपको क्या चाहिए, इधर चाहिए, एक्सिस के लॉन्ग में चाहिए, तो इसका कंपोनेंट इधर होगा ई कॉस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा हुआ तो, अगर यहाँ थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, होगा ना। अब निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते, इस गरीब लड़के के चलते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखो 1/4 pi epsilon naught, और q कितना है, q/2 pi r इंटू dl। चलिए dl। अब दूरी, तो ये वाला कितना होगा दूरी, बोलो पता नहीं सर क्या होगा। अरे ये पता है x है, और ये रेडियस भी आपको पता है कि ये r है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब बहुत बच्चा लोग सोच रहा होगा, देखो सर ने बेईमानी कर दिया, कहां ये और ये परपेंडिकुलर है, नहीं है, फिर भी ये कर दे, पाइथागोरस ला लगा दी, काफी मार खाओगे बाबू, देख लो। अरे भाई एक्सिस ऐसे होता है ना, तो देखो तो एक्सिस पे हर रेडियस परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, ये वाला कोई भी रेडियस परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो रेडियस ही है ना, तो वो क्या होगा, इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये वाला एक्सिस क्या है, एक्चुअली ऐसे है ना, लेकिन बोर्ड पे हम कैसे इधर का ड्रॉ करें, नहीं कर सकते, ठीक। चलिए तो ये वाला दूरी ऐसा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्चुअली रूट हट जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, अलोंग द एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल यानी एक्सिस के लॉन्ग में क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught क्यू डी एल बाई 2 pi r इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, है ना, ई कॉस थीटा। देखिए एक्सिस के लॉन्ग में क्या है, ई कॉस थीटा है, इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 pi epsilon naught क्यू डी एल बाई 2 pi r एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और कॉस थीटा, और देखो तो इस ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं जी, ये है बेस, ये हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, तो एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। जब ऐसा लिखेंगे तो एक बात बताओ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पूरे के पावर में वन है। अरे लो ना, यहाँ पे वन अगर पावर में लिख देंगे तो कोई दिक्कत है गधेड़ो, नहीं। और ये पूरा रूट में, इसका मतलब इसके पूरे के पावर में कितना है, आधा है, तो इस पूरे के पावर में कोई पूरे के पावर में आधा, तो टोटल अगर इसको इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 plus 1/2 3/2 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught क्यू डी एल 2 pi r एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 और ऊपर में एक्स। ओके, ये स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल दे इस पॉइंट पे, और किधर में, इधर में नहीं, इधर में एक्सिस के लॉन्ग में, इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट के चलते। चलिए पहला स्टेप कर दिए, दूसरा स्टेप कर दिए, तीसरा भी कर दिए, चौथा स्टेप क्या है, यूज इंटीग्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ होल बॉडी, पूरे बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो पूरा बॉडी क्या, यानी पूरा इस रिंग का, पूरा इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तुम इस पूरे बॉडी का नहीं निकाले हो, अभी क्या निकाले हो, अभी इस बॉडी के छोटा सा एलिमेंट, एकदम से छोटा सा है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हो आप, आपको निकालना है इस पूरे बॉडी के चलते निकालना है, क्या करना पड़ेगा,
इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो कर लो भाई, है ना। नीचे मिटा देते हैं सब, तो पॉइंट याद है ही हमें। चलिए तो यहां पे लिख लीजिए लैम्डा बराबर क्यू बाई टू पाई आर था, डीएल पे जो चार्ज था, चार्ज ऑन डीएल वो था टू, अरे यार क्या, क्यू बाई टू पाई आर इंटू डीएल, क्यू डीएल लिखे यानी चार्ज ऑन डीएल, चार्ज ऑन डीएल इज क्यू डीएल, ठीक। चलिए ऐसा ओके, बोलोगे कि सर आप ऐसा लिखे थे, तो लो ना भाई लैम्डा इंटू डी एल बराबर क्या, क्यू बाई टू पाई आर इंटू डी एल, खुश। चलिए ये बात, अब देखिए तो जरा इसको इंटीग्रेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल होल बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको कहना है इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कहेंगे या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको कहना है बराबर। इंटीग्रेशन कर दो, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल एक्स बाई टू पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का थ्री बाई टू। अब एक बात बताइए, इंटीग्रेशन में हमने कहा था कि इंटीग्रेशन करते समय आपको एक्चुअली में कंसीडरेशन पॉइंट लेना होता है, लेकिन कंसीडरेशन पॉइंट लेने से पहले एक बात ये बताइए कि हम इंटीग्रेशन किसका करें, इस रिंग के ये जो डीएल है उसका इंटीग्रेशन करें कि इस एक्स का करें। अरे भाई डीएल का इंटीग्रेशन वो करें, डीएल वेरिएबल है तो बोलो कि सर एक्स भी तो वेरिएबल है, अगर यहां रखते तो एक्स अलग होता, यहां रखते तो एक्स अलग होता, एक्स वेरिएबल है लेकिन एक्स दूरी है, लेकिन इंटीग्रेशन आप क्यों करते हैं, एक जैसे पार्टिकल को जोड़ने के लिए, तो आप यहां पर का दूरी और यहां पर का दूरी जोड़ने से आपको क्या फायदा है, कोई फायदा है नहीं है, है ना, वो मतलब भी नहीं है हमको, वो चाहिए भी नहीं हमको, क्या चाहिए हमको, ये चाहिए कि हमने डीएल के चलते अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है और हम पूरे रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं, तो ऐसा ऐसा अनंत डीएल को जोड़ देंगे तो हमें पूरा रिंग मिल जाएगा, समझ रहे हैं, ऐसा ऐसा अनंत डीएल को जोड़ देंगे तो हमें पूरा रिंग मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन का तो मतलब वही होता है ना कि एक जैसे अनंत पार्ट को जोड़ने के बाद जो बड़ा पार्ट कैलकुलेट होता है इंटीग्रेशन से ही करते हैं। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का होगा, डीएल वेरिएबल है, समझ रहे हैं बात, एक्स को कभी मत करना, कह रही एक्स भी वेरिएबल है, गधे हो क्या, अरे एक्स को क्यों इंटीग्रेशन करना करोगे तुम, एक्स को जोड़ने से तुमको क्या मिलने वाला है, मीनिंगलेस बात है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रिंग के चलते चाहिए ना, तो पूरे रिंग के चलते चाहिए, तो ये जो डीएल है इस डीएल को ऐसा ऐसा ढेर सारा डीएल जुड़ेगा तो रिंग मिलेगा ना आपको, तो वो कौन जुड़ेगा ढेर सारे डीएल को जोड़ के एक रिंग कौन बनाएगा, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का होगा, हमारी बात समझ में ओके, तो बात समझ आया, तो बाकी सब कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, डीएल सिर्फ जो है वो ये हो जाएगा, तो सब कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, वन बाई फोर पाइप सेलन नॉट क्यू एक्स सब ये सब बाहर इंटू टू पाई आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर थ्री बाई टू
इंटीग्रेशन डी अल्फा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेना होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो हमने कहा था कि आप कंसिडरेशन पॉइंट ऐसा रखना कि वहां से बॉडी साइमेट्रिक दिखे, कंसिडरेशन पॉइंट से ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लेते हैं, ठीक है। जैसे मानो कि एक रॉड में अगर कंसिडरेशन पॉइंट ये होता और यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट डीएल लेते हैं, तो ये आपको मानिए कि ये जो है इधर में आपको क्या ले लें, एल बाई थ्री है और इधर में टू एल बाई थ्री है इस पॉइंट से, तो क्या ये साइमेट्रिक है? नहीं है। देखो ना, इसका ये इमेज नहीं है। देखो ऐसे अगर यहां पर मिरर लगा देंगे तो इसका इमेज ऐसा नहीं बनेगा, ये बड़ा है छोटा है। तो साइमेट्रिक कहां से हुआ? एकदम बराबर दूरी से, एल बाई टू से एकदम होगा। तो आप ऐसे लोगे तो इधर में ये डीएल मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, तो अपर लिमिट। अपर लिमिट कहते हैं कि आपको इधर में राइट साइड में आप मैक्सिमम जहां तक जा सकते हैं। तो डीएल अभी मानो कि एक्स दूरी पर था, तो ये एक्स का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है? डीएल यहां पे आ सकता है, टू बाई थ्री हो सकता है, तो टू एल बाई थ्री। लोअर लिमिट एक होता है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होता है कि आप कंसिडरेशन पॉइंट से इस स्मॉल एलिमेंट डीएल को अगर इधर लेते बाई देवे और अभी ये एक्स दूरी पर था, तो मैक्सिमम कितना दूरी पर हो सकता है? यहां पे आ सकता है, डीएल है यहां पे मैक्सिमम ले सकते हैं, यानी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू एल बाई थ्री हो सकता है। तो इसको हम माइनस एल बाई थ्री कहते हैं। माइनस क्यों? क्योंकि अगर इधर वाले को प्लस कहे तो इधर वाले को माइनस कहेंगे, लोअर लिमिट को, ठीक। तो ये बात तो इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन ये साइमेट्रिक नहीं है। साइमेट्रिक क्या होता? साइमेट्रिक ऐसा होता कि एकदम से बराबर दूरी पे मेरा कंसिडरेशन पॉइंट होता, इधर भी एल बाई टू, इधर भी एल बाई टू, और तब कोई एक स्मॉल एलिमेंट डी एल लेते तो इसका अपर लिमिट भी एल बाई टू होता और लोअर लिमिट भी होता माइनस एल बाई टू होता, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ये बस समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, बार बार बच्चा गलती करता है इसमें, अपर लिमिट लोअर लिमिट में, वो गलती नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए, तो अब ये रिंग है, तो रिंग में तुम किसी भी पॉइंट को मान लो कंसिडरेशन पॉइंट, आपको सब जगह से साइमेट्रिक देखेगा। देखो ना, यहां से भी रेडियस बना दो, मिरर इमेज है, अगर यहां भी लोगे तो यहां से भी डायमीटर घींच दो, मिरर इमेज है पूरा सर्कल, है ना। तो ये आपको एक्चुअली में इसका कहीं पर भी आप कंसिडरेशन पॉइंट ले सकते हैं। तो मानिए यहीं पर लिए, चलो यहीं पे कंसिडरेशन पॉइंट लिया, तो लिया तो इससे अगर ये इधर राइट चलना शुरू करेगा, ये अगर मानिए कंसिडरेशन पॉइंट से कुछ दूरी पे यहाँ पे डीएल लिया, तो मान लो यहीं पे कंसिडरेशन पॉइंट पे डीएल था, डीएल, तो ये इधर चलना शुरू करेगा डीएल, तो कितना दूरी पे हो सकता है? मानो यहां पे अभी डीएल लेते, तो मानो ये एक्स दूरी पे था, तो ये दूरी मैक्सिमम क्या हो सकता है? ये ऐसे चलते हुए ये यहां तक आ सकता है दूरी, तो मैक्सिमम दूरी कितना हो सकता है? ये ऐसे, ये टू पाई आर मैक्सिमम दूरी हो सकता है, टू पाई आर, और मिनिमम दूरी क्या हो सकता है? यहीं पर जीरो, है ना। तो आपको कहने का मतलब अपर लिमिट हो गया टू पाई आर और लोअर लिमिट जीरो, समझे? क्यों लोअर लिमिट जीरो क्यों लिए? क्योंकि देखो ना भाई, जब इधर से ही एक ही तरफ से चल गए तुम, फिर यहां पे आ गए, कंप्लीट हो गए तुम टू पाई आर, तो इधर से क्यों चलोगे? इधर से फिर नहीं चलना है, लोअर लिमिट हमें जीरो ले लेना है, मतलब चलना है इसलिए इधर उधर दोनों तरफ, ताकि पूरा कवर हो जाए। तो पूरा कवर तो इधर से ही ऐसे चलने में हो गया ना, रॉड में तो नहीं हो रहा था, रॉड में तो हम इधर से चल रहे थे, तो इधर चले तो आधा ही कवर हुआ था, इसलिए फिर इधर चलना पड़ा था पूरा रॉड को कवर करने के लिए, ठीक है। रॉड में भी ऐसा कर सकते थे, या हम यहीं पे अपना कंसिडरेशन पॉइंट मान लेते और ये स्मॉल एलिमेंट डीएल ऐसे लेते एक्स दूरी पर, तो मेरा क्या हो जाता? ये डीएल ज्यादा ज्यादा यहां पर ले सकते थे, तो अपर लिमिट मेरा क्या हो जाता? एल, और लोअर लिमिट क्या हो जाता? जीरो,
हम रॉड में भी ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हम यहीं पे कंसीडरेशन पॉइंट माने हैं, तो इधर क्यों चलेंगे, लोअर लिमिट मेरा जीरो ऑलरेडी है, समझ रहे हैं। तो अगर कंसीडरेशन पॉइंट किसी एक छोर पे हो जाए तो लोअर लिमिट जीरो होता है, ठीक। चलो तो ये बात, तो ऐसा तो डीएल का इंटीग्रेशन करो, तो डीएल का इंटीग्रेशन जब करोगे देखो उसी चीज को यहां पर लिख दे रहे हैं, ई टोटल डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू एक्स बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू पाई आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू और डीएल का इंटीग्रेशन एल, अपर लिमिट टू पाई आर लोअर लिमिट जीरो, तो क्या हो जाएगा एल टू पाई आर हो जाएगा, तो क्यू एक्स बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू पाई आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू। और देखो लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार अपर लिमिट को यहां पे जो वैल्यू आया वो में पुट कर दीजिए, एक बार लोअर लिमिट को पुट कर दीजिए और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दीजिए, तो अपर लिमिट एल की जगह पे हम पुट के टू पाई आर और लोअर लिमिट एल के जगह पे पुट करना है जीरो, अपर वाले में से लोअर वाले को क्या करना है घटा देना है, ठीक। तो हो जाएगा क्यू एक्स बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू पाई आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू इंटू टू पाई आर, टू पाई आर यानी टू पाई आर से टू पाई आर कैंसिल, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अभी कितना आया वो हम देख लेते हैं कितना आया, ये सब तो लिख ही चुके होंगे, मिटा देते हैं जरा सा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जो आ गया और किधर आया है एक्सिस के लॉन्ग में आया है वो हो गया क्यू एक्स बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू, यही आ गया जी, ठीक। अब सोचो अगर ऐसा होता, इसमें भी बहुत सारा कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम कब होगा, जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा, तो एक्स का वैल्यू जीरो होगा इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, रिंग का सेंटर, अरे भाई एक्स जीरो कहां पे होगा, यहीं पर होगा ना रिंग के सेंटर पे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपको रिंग के सेंटर पे यहां पे जीरो होगा और इसके बाद जैसे ही इधर बढ़िएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगा, तो सिर्फ इधर ही नहीं इधर भी, एक्सिस तो दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इस एक्सिस में दोनों तरफ आपको इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक, इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर बढ़ोगे इधर जाइएगा एक्सिस पे तो बढ़ेगा, इधर भी जाइएगा तो बढ़ेगा, ठीक है। तो बोलो अभी सर सेंटर पे जीरो क्यों हो रहा है, भाई क्योंकि एक्स बराबर जीरो है सेंटर पे ना, तो एट सेंटर एक्स बराबर जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पहला कंडीशन की सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। दूसरा कि आपको ऐसा हो जाए इफ एक्स इज हाईली ग्रेटर देन आर, एक्स अगर ये वाला दूरी एक्स अगर रिंग के रेडियस से बहुत बड़ा हो जाएगा तो रिंग कैसा लगेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लगेगा, हमने बताया था ना जी कि अगर ऑब्जर्वर और पार्टिकल के बीच का दूरी पार्टिकल के डायमेंशन से बहुत बड़ा हो जाए तो पार्टिकल पॉइंट की तरह आता है, तो क्या हो जाएगा एक्स
क्या है, जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, यानी जहां पे आप उसका इफेक्ट ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो ऑब्जर्वर पॉइंट तो यही है। तो एक्स अगर बहुत बड़ा हो जाएगा आर से, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा रिंग पार्ट आपको पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, देन रिंग बिहेव एज पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। और देखो ऐसे भी तुमको समझ में आ जाएगा कि अगर एक्स बहुत बड़ा आर से हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया कि एक्स इज हाईली ग्रेटर देन आर, देन आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब आप ऐसा लिखोगे और इसमें जरा पुट करो, तो इसमें पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पुट कीजिए क्यू एक्स बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर लिखना है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू, टू से टू गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ गया क्यू एक्स बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू, तो एक एक्स और कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। देखो तो क्या पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होता था। अरे देखो ना भाई, एक्स क्या है, दूरी, पॉइंट चार्ज पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, तो देखो पॉइंट चार्ज से जो दूरी है, तो पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाई पॉइंट चार्ज से जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वहां के दूरी का स्क्वायर, तो वही तो आया है। देखिए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, हमने कहा तो था, और देखो ये प्रूफ भी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आप समझ गए। दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन इसमें क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लो ऐसा हो जाए, इफ एक्स इज हाईली लेस देन आर, अगर एक्स आर से बहुत छोटा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम लिख देंगे आर स्क्वायर, उसे पुट कीजिए, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू एक्स बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर पुट करना है, थ्री बाई टू, टू से टू कट जाएगा, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मेरा ये आ जाएगा क्यू एक्स बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू, ऐसा, ठीक ऐसा आ जाएगा। तो ये बातें ठीक है, यानी कि अगर r बहुत बड़ा हो जाए x से, तो x क्या हो जाए, करीब करीब सेंटर के नजदीक हो जाएगा, ठीक है, तो करीब करीब सेंटर के नजदीक हो जाएगा, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरा ये ऐसा होगा, ठीक है, तो ये ऐसा होगा। अब देखो जरा ध्यान दो, हमने इतना कंडीशन पढ़ा, अब अगर आपसे पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगा, हम वो भी बता सकते हैं, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए इतना, उसके बाद हम वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम निकालना है, और कहां पर मैक्सिमम होगा वो निकालना होगा, तो देखिए हमने बताया था कि मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, किसी भी चीज का मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो इसके लिए क्या करना होता है, उसको उसी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके बराबर जीरो कर देना है। देखिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएबल क्या है, एक्स है, देखिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, बाकी तो सब कांस्टेंट है, फोर पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट आर सब कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में
क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया है ना। जैसे एक्स ही वेरिएबल है ना जी, ये एक्स सेंटर से इतना दूरी पे, फिर कुछ और दूरी पे, कुछ और दूरी पे, ठीक। तो जब हमने ये कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया इतना वाला और जीरो कर दिया, ये डिफ्रेंशिएट करके जीरो किया, तो देखिए जो कांस्टेंट टर्म है सबको बाहर निकाल लिया, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म था, बाहर निकाल लिया, डी बाई डी एक्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू बराबर जीरो, ये उधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, हटा दीजिए कोई बात नहीं। अब ये जो डिफ्रेंसिएशन है क्या है, एफ एक्स बाई जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन है, तो कर दीजिए। तो हमने किया जी एक्स इंटू आपको डी एफ एक्स है ना, डी एफ एक्स बाई डी एक्स माइनस आपको एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी एक्स किया ना, किया। देखो ना भाई ये जी एक्स की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई में लेके आपको एक्स को डिफ्रेंशिएट किया डी एक्स डी एक्स माइनस, अब एक्स को मल्टीप्लाई में लेके इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक। चलिए और वाई में जी एक्स का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर करके बराबर जीरो कर देते, ये उधर चला जाएगा कोई मतलब नहीं है, जीरो हो जाएगा। चलिए अब देखिए डी एक्स बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट हो क्या हो जाएगा वन, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू माइनस, ये एक्स या मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में एक्स को रहने दिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो पहले कैसे होगा, पहले इस पूरे को आपको मानना पड़ेगा कि ये बड़ा वाला एक्स है, तो बड़ा वाला एक्स के पावर में क्या है थ्री बाई टू, तो एक्स के पावर में थ्री बाई टू इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, थ्री बाई टू इंटू एक्स के पावर थ्री बाई टू माइनस वन, हमने लिखा थ्री बाई टू इंटू इस पूरे को एक्स मान लीजिए, एक थ्री बाई टू इंटू पूरे के पावर में थ्री बाई टू माइनस वन, तो थ्री बाई टू माइनस वन करोगे तो क्या बच जाएगा, वन बाई टू बच जाएगा, ठीक। चलिए इंटू अब देखिए इस पूरे में आपको एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो एक्स वेरिएबल है तो एक्स को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये एक्स स्क्वायर है जिसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो इंटू 2x, ठीक। अब ऐसा कर दिया माइनस, यहाँ पे साइन था बराबर जीरो था, तो ये क्या चला जाएगा उधर चला जाएगा, नहीं इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना करने के बाद हमने पूरा सॉल्व किया, ठीक है। आप देखोगे सब इजी स्टेप है, तो सॉल्व किया तो x बराबर इतना आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा कहां पे, इस पॉइंट पे एक्सिस से आर बाई रूट टू दूरी पर अगर लीजिएगा एक्स को, यानी ये जो रिंग का एक्सिस है, ये रिंग के एक्सिस पे, इस एक्सिस पे आपको सेंटर से मानिए यहाँ पे आर बाई टू दूरी है, तो वहां पे आपको कहना इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, सिर्फ इधर ही नहीं इधर भी, इधर में भी आर बाई रूट टू दूरी पे, ओके। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है आर बाई रूट टू दूरी पे, तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में आप एक्स का वैल्यू आर बाई रूट टू पुट कर दीजिए, तो हमने कर दिया पुट, तो एक्स आर बाई रूट टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई रूट टू का स्क्वायर करो तो आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर तो पूरा का पावर थ्री बाई टू। ये पूरा महाभारत को सॉल्व करने के बाद में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा, क्यू बाई सिक्स रूट थ्री पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। आई बात सुन, चलिए अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये तो हमने रिंग का निकाला, अब भाई ने रॉड का कहा है कि रॉड का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो हम रॉड का भी निकाल लेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। आप रॉड का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जी, ठीक है। देखिए रॉड का निकालिए, मान लीजिए कि कोई एक रॉड लिया जो कि इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, है ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एक्स फ्रॉम रॉड मिड पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
इफ रॉड हैविंग चार्ज क्यू एंड लेंथ चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ एल, लेंथ एल पर आपको चार्ज क्यू को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस रॉड का टोटल लंबाई कितना है एल, इस पर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया सभी जगह क्यू है ना, यानी टोटल चार्ज क्यू है और क्यू को बराबर बराबर सभी जगह बांट दिया गया। तो पूछा गया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इस रॉड के मिड पॉइंट से एकदम से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं पर भी जो कि आपको एक्स दूरी पर है, यानी यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालें, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए इसको क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं, जगह वो काम देगा हमें। एक बात बताओ, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहां पे, डी वाई, जो कि यहां से y दूरी पर था फिलहाल, ठीक। अब बताओ मेरा कंसीडरेशन पॉइंट कहां पे होना चाहिए, एकदम यहीं पे होना चाहिए क्योंकि एकदम मिड पॉइंट है। यहां पे अगर मिरर रखेंगे तो रॉड इधर और इधर वाला एक दूसरे का इमेज लगेगा, तो कंसीडरेशन पॉइंट अगर यहां पे लेंगे तो इस जो dy है वो मैक्सिमम कहां पे ऊपर हो सकता है, यहां पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना दूर है L by 2, और अगर dy को इधर लेते तो मैक्सिमम कहाँ पे हो सकता था, यहाँ पे। तो ये भी क्या है L by 2, यानी ऊपर वाला लिमिट L by 2, तो ये हो जाएगा L by 2 और नीचे वाला लिमिट क्या माइनस L by 2। माइनस L by 2 क्यों, क्योंकि ऊपर वाला को पॉजिटिव तो नीचे वाला को निगेटिव लिया। खैर छोड़िए, अभी उतना नहीं सोचना है। अभी इसके चलते आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे यहाँ पे। चलो तो हमने कहा कि सबसे पहले चार्ज डेंसिटी निकाल लीजिए, तो लेमडा हो जाएगा क्यू बाई एल। अब चार्ज ऑन डी वाई, चार्ज ऑन डी वाई बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू डी वाई, डी वाई लेंथ ही है तो क्या आ जाएगा लेमडा कितना है क्यू बाई एल इंटू डी वाई, ठीक। चार्ज डेंसिटी निकाल लिया, स्मॉल एलिमेंट भी ले लिया। अब इस एलिमेंट के चलते अब डिजायर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो बाबू, ये ऐसे। चलो ये पॉइंट हम यहीं पे मान लेंगे, ठीक। तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकालोगे वो तो इसी लाइन पे होगा ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आपको क्या चाहिए इधर में चाहिए। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये क्या हो जाएगा E cos theta, ठीक। चलिए गुड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो 1/4 pi epsilon naught और चार्ज कितना है q by l into dy, और दूरी ये क्या आ जाएगा, सोचो ये y है और ये x है, ठीक है। ये y है और ये क्या है x है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट होगा कि नहीं, ये देखो, लेकिन स्क्वायर करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में तो ये क्या हो जाएगा बस रूट हट जाएगा। चलिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए एक्सिस के लॉन्ग में चाहिए, तो E axial बराबर क्या हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught q dy l x square plus y square into cos theta। तो cos theta तो 1/4 pi epsilon naught q dy l इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
है ना जी। ठीक, अब देखिए कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, अगर ये भी थीटा तो कॉस थीटा लिखिएगा तो क्या बेस वाई परपेंडिकुलर, यानी सॉरी बेस वाई परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, बेस वाई हाइपोटेन्यूस जी, तो एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी वाई इंटू एक्स एल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू। चलिए ये मेरा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इसके चलते इस छोटे वाले डीएल के चलते, अभी सब कुछ देखो सब सही जा रहा है। चल एक बात बताओ, आपको एक्चुअली में यहां पे डी वाई जो टर्म है ये नहीं पता है, लेकिन हम चाहे तो ये डी वाई निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, सोचिए जरा सा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचना है, जरा सोचो कि जो y है इस y को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे थीटा रहे तो हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं y by x, तो y बराबर आप लिखोगे x tan थीटा। देखो ना भाई इस वाले ट्रायंगल में ये x है ये y है तो ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर y by x नहीं लिखोगे, तो हम y बराबर x tan थीटा लिख सकते हैं। तो जब y बराबर x tan थीटा लिख सकते हैं तो dy बराबर क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा dy, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x into sec स्क्वायर थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा dy बराबर। ठीक, चलिए ये बात, यानी dy को हम ये चीज लिख सकते हैं। अब देखो जरा dy को हम ये चीज लिख सकते हैं कि यानी x इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो, अब इसमें और कोई ऐसा टर्म है कंट्राडिक्टेड की जिसे हम लिख दें तो हमारा काम आसान हो जाए, तो एक काम है कि आप यहाँ पे और ऐसे लिख दीजिए, इसको भी सबको ऐसे बना दीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आपने लिखा था y बराबर x tan थीटा, यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक्चुअली आपको आसान हो जाएगा सब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल बराबर, देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा आखिर कर क्यों रहे हैं, इसको एक्स और वाई ही क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, उस टर्म में क्यों कर रहे हैं। देखो कैलकुलेशन को बस आसान बनाने के लिए, और कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि आप जैसे अभी में यहाँ पे डी वाई रहता तो डी वाई की जगह पे क्या वैल्यू रखोगे, आपको कैलकुलेट करना है ना। अच्छा dy की जगह पे अगर y अगर रख भी देते आपकी dy की जगह पे हम रख देते आपको x into sec square थीटा, तो बाकी ये जो है आपको x square plus y square के पावर 3 by 2। ठीक है, तो इसको भी हम और आसान बनाएं, इसके लिए हमने ऐसा किया। चलिए देखिए, तो इतना q into x, ठीक है जी, और देखिए dy बराबर क्या रखना है, dy बराबर रखना है x इंटू sec स्क्वायर थीटा, सही किया dy बराबर क्या x इंटू x स्क्वायर थीटा। ठीक, बिल्कुल सही जा रहा है, चलो ठीक गुड। अब देखिए ये, अब नीचे में जो है आप नीचे वाले को सबको लिखिए एल इंटू, अब जरा सोचो एक्स स्क्वायर प्लस आपको एक्स स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा के पावर में थ्री बाई टू। अब जरा सोचो कि उसको कॉमन ले लो, सबसे पहले ऊपर लिखो q इंटू एक्स स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर थीटा l। अब सोचिए आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए,
एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिएगा तो वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा थ्री बाई टू, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा पावर थ्री बाई टू, टू से टू सम ये भी टू और ये भी वाला टू उड़ जाएगा तो थ्री बच जाएगा पावर, ऊपर सब सही लिखा है ना, क्यू इंटू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, जी 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 सही सही सही, तो वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रहा है ना सभी को, क्यू एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा और एल, और देखिए क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, देखो भाई ध्यान दो, ये हो जाएगा एक्स क्यू और ये क्या हो जाएगा सेक क्यू थीटा, ऐसा तो कट जाएगा ये और ये, ठीक, तो जब कट जाएगा तो क्या बच जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल इंटू एक्स इंटू, और अरे हटो मच्छर, ये क्या देखिए ये सेक थीटा एक बच गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा नीचे बचा है ना, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो देखिए इस स्मॉल एलिमेंट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ गया, तब पूरे रॉड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, तो पूरे रॉड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो वेरिएबल कौन होगा, एल एक्स या कॉस थीटा, एक्स तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि ये इस रास्ते पे है, एल तो कांस्टेंट टर्म है ना, पूरा रॉड की लंबाई है, तो वेरिएबल कौन होगा कॉस थीटा, तुम बोलोगे सर कैसे, देखो भाई अभी अगर डीवाई ऐसा है तो कॉस थीटा ऐसा है, डीवाई अगर यहां होता तो थीटा कुछ और होता, अगर डीवाई यहां होता तो थीटा कुछ और होता, तो जैसे जैसे डीवाई ऊपर नीचे होगा आपको थीटा चेंज करेगा, यानी हम डीवाई जैसे अनंत एलिमेंट को जब जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता, एल मिलता, पूरा रॉड मिलता ना, तो डीवाई के ऊपर नीचे होने से कौन चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, तो किसका इंटीग्रेशन होगा कॉस थीटा का, ठीक चलो बता दो, तो कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए, E टोटल करिएगा तो इंटीग्रेशन वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉस थीटा बाई एल इंटू एक्स, सबको बाहर निकाल लीजिए, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल इंटू एक्स बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन कॉस थीटा का, ठीक। अब देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या लें, तो सोचिए जरा इमेजिन कीजिए कि ये रॉड अगर इनफाइनाइट लेंथ का होता, बहुत लंबा होता, ये हम एल लिए हैं तो एल का कोई वैल्यू तो नहीं ना भाई, एल तो एल को हम इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, तो सोचिए अगर अनंत लंबाई का ये होता तो ये देखो ये वाला थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है ऊपर, ऐसे जैसे ही ये बीवाई एलिमेंट जैसे जैसे ऊपर चल रहा है ये थीटा बढ़ रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, देखो ये अनंत लंबाई का रहता तो एकदम सीधा ये ऐसे हो जाता है, यानी इस थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 90 डिग्री, और अगर इधर में को भी तुम कोई डीवाई लेते ऐसे, यहाँ पर भी कोई डीवाई लेते ऐसे, यहाँ पर भी तुम लेते डीवाई, तो यहाँ पर भी अगर एंगल थीटा रहता, ये एंगल यहाँ पर भी थीटा रहता, तो ये भी इधर में जब अनंत तक बढ़ता तो ये लाइन भी ऐसे होते होते ये भी क्या हो जाता सीधा हो जाता, तो ये भी क्या हो जाता 90 डिग्री हो जाता, तो ऊपर वाले को अगर तुम पाई बाई टू लोगे तो नीचे वाले को क्या लेना पड़ेगा माइनस पाई बाई टू लेना पड़ेगा, ठीक। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा होता है,
होता है ना जी, होता है कि नहीं होता है? तो तुम बोलोगे सर हम ऐसे नहीं लेंगे, हम एल के टर्म में ही लेंगे। लो ना भाई, तुमको एल के टर्म में ही लेना है तो ले लो, जाओ एल बाई टू और माइनस एल बाई टू। अब खुश हो? पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू नहीं लेते हैं। चलिए तो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू एक्स कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा एल बाई टू माइनस एल बाई टू। अब जरा सा दिक्कत होगा यहाँ पे, सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और क्या। ठीक, कर लीजिए साइन थीटा का वैल्यू पुट। सोचो इस ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सोचो साइन थीटा बराबर क्या होगा, वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होगा ना, तो वही करना पड़ेगा। तो ले लीजिए सर ई टोटल बराबर क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू एक्स, और ये साइन थीटा और क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट लिमिट एल बाई टू माइनस एल बाई टू। तो ये किसका वैल्यू है, वाई का ही वैल्यू है ना। देखो ये डीवाई क्या था, कंसिडरेशन पॉइंट से वाई दूरी पे था, तो डीवाई और ऐसे जाएगा तो मैक्सिमम डीवाई कहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है। तो डीवाई मैक्सिमम कितना, एल बाई टू दूरी पे, और इधर में क्या माइनस एल बाई टू दूरी पे। तो रख दीजिए वाई की जगह पे एक बार एल बाई टू, एक बार माइनस एल बाई टू, सारा फसाद ही खत्म हो जाएगा जी बच्चा लोग। तो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू एक्स, ठीक। अब रखिए एक बार एल बाई टू बाई एल बाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और देखिए माइनस करिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस, और ये खुद भी माइनस है तो वाई की जगह पे माइनस एल बाई टू रखोगे। लो ना, जैसे वाई की जगह पे माइनस एल बाई टू रख दिए, बाई माइनस एल बाई टू का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा। चलो भाई माइनस एल बाई टू नहीं, हम लेते हैं माइनस एल बाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो तुम लोग को दुखी नहीं करें, खुश रहो खुश रहो। तो क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट ये एल इंटू एक्स, और वो देखो तो दोनों टर्म एक ही जैसा है कि नहीं, एल बाई टू बाई इतना, और देखो ना ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों टर्म एक ही जैसा है। तो टू इंटू एल बाई टू बाई एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टू से टू गया, एल से एल भी उड़ा दो, ठीक एल से एल भी गया। तो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, और अब क्या बच गया नीचे में बच गया वन बाई आपको। अब जरा करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाई फोर रूट में, तो इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो कहां चला जाएगा, टू यहां चला आएगा, तो हो गया e टोटल टू ऊपर चला जाएगा, तो टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर। दो से भी इसको काट दीजिए, दो यहाँ पे रख दीजिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो भाई, तो फॉर्मूला पुट कर दोगे
तो क्या हो जाएगा, ई टोटल हो जाएगा क्यू बाई फोर सॉरी टू पाई क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इंटू रूट में एल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर। लिखिए, स्क्रीन पॉज करके उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें भी सारा कंडीशन वही होगा कि अगर एक्स वाई से बहुत छोटा हो जाए या एक्स एल से बहुत बड़ा हो जाए, है ना। देखो, अगर ऐसा हो जाता कि एक्स इज हाईली ग्रेटर देन एल, तो अगर एक्स एल से बड़ा जाएगा तो पूरा ये लाइन क्या पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, देन रॉड बिहेव एज पॉइंट चार्ज। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट चार्ज जैसा ही आ जाएगा। अगर एक्स ऐसा हो गया कि एक्स जो है वो एल से काफी बड़ा हो गया, तो ये जो है तब आपको एल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर जो लिखा गया है इतना बराबर क्या लिखा जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। एल को क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। इसमें पुट कर दीजिए, इसमें जब पुट कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। अब जरा सोचिए, पूरा ये एल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर को फोर एक्स स्क्वायर लिखना है तो बाहर में क्या निकल जाएगा, 2x। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आपको x स्क्वायर। देखिए तो क्या पॉइंट चार्ज के ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बिल्कुल होता है जी। अगर ऐसा हो गया दूसरा कंडीशन, इफ x l से बहुत छोटा हो जाए यानी l बहुत बड़ा हो जाए, इस केस में क्या लिखेगा, इस केस में देन एल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर जो है उसको क्या लेना पड़ेगा, एल स्क्वायर लेना पड़ेगा। ले लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा एल। ऐसा आता है एक्चुअली में सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह रॉड का, ऐसा आता है जो बहुत यानी कि रॉड अनंत लेंथ का हो जाएगा, यानी अनंत लेंथ का रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, यानी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x इनटू l। ठीक है, तो x बाई l बराबर क्या है, देखो तो x बाई l क्या है, चार्ज डेंसिटी है क्या, q बाई l क्या है, लैम्डा है मेरा चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये किसके लिए है, रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर रॉड का लेंथ अनंत हो जाएगा, है ना, बोला गया ना कि एल बहुत बड़ा हो जाए तब, ऐसा यानी अगर कोई रॉड है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है ना, और बाकी दो पॉइंट की कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और आपको कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिनिमम होगा, ये सब बात आप उससे चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पे एक हम नया बात आपको सिर्फ बता देते हैं, वो ये एक सवाल इस पर करवाते हैं, ये तो खुद ही सवाल ही था लेकिन फिर भी एक इस पर सवाल करवाते हैं, कभी कभी दे दिया जाता है तो आपसे एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि आप सॉल्व करें। सवाल ये पूछा जाए कि आपको इफ एक इनफाइनाइट रॉड है, इस पर कितना चार्ज है, कितना लेंथ है, इसका लेंथ कितना है इनफाइनाइट, सिर्फ आपको इसका चार्ज डेंसिटी पता है लेमडा कि वो है 5 कूलम पर मीटर। ठीक है, तो पूछा गया कि इससे 10 मीटर के दूरी पर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, यहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। अगर ये पॉइंट पी है तो बोला जा रहा है कि आप एक इनफाइनाइट रॉड है इनफाइनाइट लेंथ का, उसका चार्ज डेंसिटी हमको पता है,
आपको उससे 10 मीटर की दूरी पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो बता दीजिए। अभी तो आया फॉर्मूला, क्या आया? आया लेमडा यानी चार्ज डेंसिटी बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सोचिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻¹। देखो ना 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁻¹। इसको ये बनाना है, 2 बनाना है तो ऊपर 2 रखना पड़ेगा, तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 18 × 10⁻¹। ठीक है, अरे क्या नीचे लिख दिया मैंने 18 × 10⁻¹। और वाई एक्स, एक्स कितना है 10, 5 × 10 9, यानी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 9 × 10⁻¹। ठीक, तो ये चीज इस तरीके का सवाल सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, अब देखो एक सवाल और दिया जाए रेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। वो क्या दिया जाएगा? वो ये दिया जाएगा बोला गया कि एक रॉड को सेमी सर्कुलर बेंड कर लिए। ठीक है, एक रॉड को सेमी सर्कुलर बेंड कर लिए, एक रॉड है ये, है ना, ए रॉड ऑफ लेंथ एल बेंड इन सेमी सर्कल हैविंग चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड तो इसका सेंटर मानिए यहां पे से। अरे यार, पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों बोले, इसका सेंटर क्यों नहीं बोले? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि ये कर्व जिस भी बड़े सर्कल से या स्फेयर से काटा गया था उसका सेंटर एक्चुअली ये था। ठीक है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। अब देखिए क्यू चार्ज है आपको, एल लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें, यहां पे चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो ये क्या है, रिंग का टाइप है, एक रॉड को ऐसे मोड़ के बनाया गया है, तो चार्ज डेंसिटी लेमडा होगा, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। ठीक, ओके। अब एक स्मॉल एलिमेंट लेना है, ले लेते हैं इस पे एक स्मॉल एलिमेंट, यहां पे मान लेते हैं कि यह स्मॉल एलिमेंट ऐसा लिए जो कि डी थीटा एंगल बना रहा था, ये डी थीटा कवर कर रहा था। अब देखिए हम अपना साइमेट्री कहां पे लें, तो साइमेट्री यहां पे लेना पड़ेगा ऐसे, है ना, क्यों, क्योंकि यहां से अगर ऐसे आप इस पॉइंट से अगर सोचो तो इस पॉइंट से देखो एकदम से इस पॉइंट पे अगर ऐसे रखोगे, इस पॉइंट से देखोगे तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज लगेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो हमने कहा था कि कंसिडरेशन पॉइंट कहाँ पे लेना है, वहां पे जहां से आपको पूरा जो बॉडी है वो दो भाग में कटे लेकिन साइमेट्रिक दिखे। अगर तुम यहाँ पे कंसिडरेशन पॉइंट लेते तो देखो तो लग रहा है इसका इमेज ये लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे लेते तो भी नहीं लग रहा है इसका इमेज ये बाकी वाला पार्ट, है ना, तो कहाँ पे, एकदम यहाँ पे आधे आधे। तो सोचो मानो कि ये वाला स्मॉल एलिमेंट जो यहाँ पे तुमने लिया था ये थीटा एंगल बना रहा था, और स्मॉल एलिमेंट जब तुम लोगे तो ये भी तो एक कर्व है ना, क्योंकि सर्कल का पार्ट है, तो कर्व है, तो कितना भी छोटा कर्व रहता है, कितना भी छोटा कर्व रहे तो वो कर्व आपको
वो कर्व एंगल तो बनाता ही है ना। ये कर्व कितना भी छोटा रहेगा तो ये एंगल तो डी थीटा बनाएगा ही, है ना। अगर डीएल है और ये आर है तो आप तो लिखते हैं ना कि आपको एक्चुअली में डीएल बराबर आर डी थीटा, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं कितना। देखो ना भाई, ये क्या है, सर्कल का कर्व है ना, एक कर्व पार्ट है। तो ये देखो, ये कर्व पार्ट है, तो दो रेडियस मिला के इस कर्व को कवर कर रहे हो, दोनों के बीच का एंगल क्या है, डी थीटा है, ठीक। चलिए, हमने एक स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया। तुम बोलोगे सर आप बड़ा बेईमानी करते हैं, आप सिर्फ डीएल क्यों नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ पे इसको, इस एलिमेंट को डीएल बोल रहे हैं और ये आपने डी थीटा क्यों लिया। तो हमने बेटा देखो आपको समझाया कि ये देखो कर्व है ना, और कर्व जब होता है तो बड़ा रहे या छोटा रहे, कर्व को दो रेडियस कवर करते हो, दोनों के बीच में एंगल बनता है, जो भी एंगल बनता है उसी के लिए तो लिखा जाता है थीटा बराबर एल बाई आर, या तो डी थीटा बराबर आप लिखते हो डी एल बाई आर, उसी के लिए लिखा जाता है ना, ठीक है। तो वही ये डी थीटा एंगल है, ठीक। चलो अब निकाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते, डीएल के चलते। तो आप पहले ये लिख लीजिए चार्ज इन डीएल, या तो चार्ज ऑफ डीएल, तो चार्ज ऑफ डीएल इज क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इनटू डीएल, तो क्या हो जाएगा बराबर क्यू बाई एल इंटू डीएल, बराबर क्यू बाई एल इंटू डीएल क्या आ जाएगा। देखिए तो ये रेडियस आर है, तो डीएल क्या हो जाएगा बताइए, डीएल जो हो जाएगा, मान लेते हैं कि रेडियस आर है, तो डीएल क्या हो जाएगा मेरा, आर डी थीटा होगा ना। देखो ना भाई, थीटा बराबर एल बाई आर, तो एल बराबर थीटा इंटू आर, तो आर डी थीटा। चलिए ओके, अब इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो इससे डिस्टेंस तो यहां का यही है ना, आर यही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में। लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चाहिए, आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तो तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इधर क्यों चाहिए, उधर ही क्यों नहीं, देखो क्यों नहीं। अरे भाई, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकालोगे सेंटर पे इस कर्व के चलते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कभी ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, एक्सिस के लॉन्ग में ही होगा ना भाई। तो क्या लेना होगा आपको, एक्सिस के लॉन्ग वाला लेना होगा, तो वो क्या होगा, ई कॉस थीटा, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और चार्ज क्या है, क्यू बाई एल इंटू आर डी थीटा। देखो क्यू और थीटा में फर्क करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यू के लिए ऐसा लिख रहे हैं और थीटा के लिए ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा इसके लिए इधर से, ठीक। चलिए, क्यू आर डी थीटा एल है ना, इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर, लेकिन एक्सियल चाहिए हमको, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इनटू आर डी थीटा एल इनटू आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। चलो भाई, तो कॉस थीटा ऐसा। अब एक बात बताओ, इस चीज को अरेंज करिए जरा सा, तो ई एक्सियल, तो बोलोगे सर यहां पर भी कॉस थीटा लिख दीजिए, नहीं लिख सकते बेटा, देखो कॉस थीटा का वैल्यू, क्योंकि हमें ये आर पता है, ये पता है, ये वाला साइड नहीं पता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर साइड नहीं पता है, तो हम कॉस थीटा ही रहने देते हैं, ठीक। अब जरा देखो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना क्यू, अरे यार क्यू को ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक समझ लेंगे, तो फिर हम क्यू बाई एल इंटू आर क्यू आर और आर स्क्वायर, गुड। नीचे वाला सब लिखा गया, इसको ऐसे लिख लो, कॉस थीटा
डी थीटा, यहाँ पर वाला डी थीटा को यहाँ लिख दो, ठीक ऐसा आया। तो ये तो एक स्मॉल इलिमेंट के चलते ना निकाले, पूरे के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन में वेरिएबल कौन होगा तुम्हारा, देखो तो इसमें ऐसे भी पता चल रहा है कि कॉस थीटा को छोड़कर और कोई वेरिएबल नहीं है। और ऐसे भी सोचो इस डीएल को ही, इस डीएल के अनंत भाग को तुम जोड़ोगे तो तुम्हें सेमी सर्कल मिल जाएगा। तो डीएल का जो पोजीशन है यही आपको देखिए आपका जो ये कंसिडरेशन पॉइंट है उसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये डीएल ही अपना पोजीशन। अगर डीएल को यहाँ लेते तो थीटा का वैल्यू कुछ और होता, यहाँ लेते तो कुछ और होता, यानी कि डीएल के वजह से ये थीटा क्या है वेरी कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो सोचो इस डीएल को मैक्सिमम हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो सोचो अगर डीएल यहाँ पे आ जाता तो इसके साथ कंसिडरेशन पॉइंट वाले लाइन के साथ ये एंगल थीटा क्या हो जाता, 90 डिग्री, पाई बाई टू हो जाता। और इधर में अगर डीएल लेते तो ये मैक्सिमम कहाँ पे आता, यहाँ पे आता, तो इसके साथ कंसिडरेशन पॉइंट वाले लाइन के साथ ये कितना हो जाता, इधर में भी पाई बाई टू, फिर इसको हम क्या लेते, माइनस पाई बाई टू लेते, ठीक। तो होल बॉडी के चलते लेने के लिए यानी ई टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पाई बाई टू अपर लिमिट माइनस पाई बाई टू लोअर लिमिट, 1/4πε0 क्यू, एक आर से आर उड़ा दो तो क्यू बाई एल इंटू आर, क्यू बाई एल इंटू आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा, सबको कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर कर दो, तो 1/4πε0 क्यू एल आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, जल्दी से बोलिए जी, एलआर और कॉस थीटा का साइन थीटा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, 1/4πε0 एल आर, एल अच्छा से लिखा, साइन पाई बाई टू थीटा का जगह पाई बाई टू रखना है, माइनस माइनस साइन पाई बाई टू, तो क्या हो जाएगा इसका 1, इसका क्या हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो क्यू बाई 4πε0 एल आर, और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका 1 और इसका माइनस 1, लेकिन यहां भी माइनस है 2 हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा क्यू बाई 2πε0 एल आर। तो एक्चुअली देखिए आपको आर दिया हुआ नहीं है, आर सवाल में नहीं दिया गया था, तो आपको एल के टर्म में ही लिखना होगा, तो लिख लो आर के लिए क्या लिख सकते हो तुम, देखो तो पाई आर बराबर एल नहीं है, तो एल पाई आर बराबर एल है तो आर बराबर क्या एल बाई पाई पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा क्यू बाई 2πε0 एल इंटू एल बाई पाई, पाई ने पाई को उड़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया क्यू बाई 2ε0 एल स्क्वायर, आई बात समझ में। चलिए तो आज इतना ही, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस पर बेस्ट सवाल करेंगे, उसको बेहतर तरीके से समझेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ओके चलो।